मैंने इस सेल्स लाइन में, सेल्स लाइन में इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया और मैं जीरो से स्टार्ट किया था और अभी आज इस पोजीशन तक हूं। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मार्केट में जो अपनी पोजीशन से पढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो ये बताते हैं कि उनकी आगे वाली जो पोजीशन है वो बहुत ही आसानी से उनको मिल रही थी लेकिन उन्होंने नहीं की। साथ ही वो ये दिखाते हैं पैसों की उनको कोई कमी नहीं है। ये काम तो हम एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे घर खानदान में बहुत पैसा है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। और जब मैं जीरो था तब मैं उनकी ऐसी बातें सुनता था, और आज मैं इतनी सारी पोजीशन अचीव करके और यहां इस पोजीशन पे हूं, फिर भी मुझे वो लोग मार्केट में मिलते हैं सिर्फ उसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं और आज भी उनके एटीट्यूड में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। उनके एटीट्यूड को देख के जो नए लोग होते हैं, फ्रेशर लोग होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, साथ ही अपनी लाइन से, ट्रैक से हट जाते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत से हट जाते हैं या इस लाइन को छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये मेरी वीडियो देखनी चाहिए, और मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में भी उनका वही एटीट्यूड है किंग वाला। ऐसा लगता है जैसे वो किंग है, लेकिन एक्चुअल में उनकी हकीकत फटीचर वाली है। अगर आप उनके घर पर चले जाएंगे ना, जहां पर वो जिस मोहल्ले में रह रहे होंगे, जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, तो उनकी पोल पट्टी आपको पता चल जाएगी किस लेवल के वो आदमी है, किस लेवल में रह रहे हैं, अपनी बच्चों की लाइफ किस तरीके से वो गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली की लाइफ किस तरीके से गुजार रहे हैं, और कितना दर दर की ठोकरें खा के ऐसी पोजीशन पर पड़े हुए हैं। तब आपको पता चलेगा कि यार ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मार्केट में कभी भी, चाहे आप जीरो पोजीशन पे हो या हीरो पोजीशन पे हो, हमेशा सीखते रहिए। लेकिन दूसरे लोगों से ना मोटिवेट होइए, मैं तो ये कहूंगा मोटिवेट भी नहीं मत होइए, और ना ही दूसरे से आप डिमोटिवेट होइए। अपना आपको करना है, आप जो मेहनत कर रहे हैं अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको अचीवमेंट मिलेगी और वो लोग पीछे छूट जाएंगे। आज उनसे अपने आप को कंपेयर मत करिए। आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप उनसे कंपेयर करके देखिए कि आप उनसे कितना आगे हैं। अब छोटी सी बात मैं बताऊं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मार्केट में हो चुका होता है, और वो खुद बताते हैं कि मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने तो इतनी छोटे बचपन में ही काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप ये सोचिए कि आज वो जब आपको ये बात बता रहे हैं तो इतने साल का एक्सपीरियंस लेके भी उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वैसी फर्टीचर हालत है, और आप आज फ्रेशर आए हैं तो आप उनसे थोड़ा सा कम कमा रहे हैं। तो सोचिए कि आप उनसे कितना आगे जाएंगे 8 साल में, आप यहीं से अंदाजा लगा दीजिए। तो उन लोगों, जब मैं मार्केट में देखता हूं तो अभी भी उसी फर्टीचर हालत में घूम रहे हैं, और जब उनके कहीं किसी बहाने से हम, जब हम उनकी फैमिली तक पहुंचते हैं, जैसे कभी बीमार हो गए या कोई फंक्शन है उसमें गए, तब देखते हैं, लगता है यार ये इतना बोलता है, इतना ये किंग बनता है, इतना इसके अंदर एटीट्यूड है, 100 ग्राम की भी इसकी औकात नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है, वरना ऐसे लोग ट्रैक से आपको डिमोटिवेट कर देंगे, हटा देंगे, और आपको लगेगा यार मेरी तो कुछ जिंदगी ही नहीं है, मेरी तो कुछ लाइफ ही नहीं है, और मैं क्या अचीव करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा यहां पे। प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहें।